क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये भोजपुरी इंडस्ट्री के मान मर्यादा के साथ खेला जा रहा है। आज सच में आज चुप रहने का समय नहीं है। और मैं खासकर बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को बोलना चाहता हूं और पवन सिंह जी को बोलना चाहता हूं कि भैया आप ऐसे ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए जो कि जाके भोजपुरी का नाम खराब करे। जी हाँ, शायद खेसारी भैया को पता चल ही गया होगा और पवन भैया को भी पता चल गया होगा। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है खेसारी लाल जी का क्या इज्जत है मार्केट में और पवन सिंह जी का क्या इज्जत है। आप लोग दोनों भोजपुरी के कर्ता धरता हो और हमेशा भोजपुरी को बहुत कुछ दिए हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। उससे पहले यही बोलूंगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ एक सीरियस मैटर पे, एक ऐसे सीरियस मैटर पे जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सोचा क्या इस पे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन गवाही देने को ये तैयार नहीं है कि मैं इस पे चुप रहूं। पता मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, उस हीरोइन से प्रॉब्लम नहीं है, उस मॉडल से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो खेसारी भैया की इज्जत से, मुझे प्रॉब्लम है तो पवन सिंह जी की इज्जत से, मुझे प्रॉब्लम है जब भोजपुरी का मान सम्मान खराब होता है। आज उस हीरोइन ने, आज उस मॉडल ने, मैं नाम तक नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे चलते कोई लोग जाने, लेकिन उस मॉडल ने जो किया है भोजपुरी को तार तार करके रख दिया है। आप एक भोजपुरी की मॉडल हो, आपका गाना अच्छा खासा पॉपुलर हो गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, गाने का नाम बता दे रहा हूँ। खेसारी जी के साथ काम करी है बहुत बड़े गाने में, किया है बलमुआ, समझ गए ना, ना 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 कर दांत के, ये गाने में। और राकेश मिश्रा जी के साथ काम करी है इस गाने में, जाई ना बहरिया, और पवन भैया के साथ भी काम करी है। उस हीरोइन ने सारी हदें कर दी पार और उनका आपत्तिजनक वीडियो पूरा सोशल नेटवर्किंग पे वायरल हो रहा है। कल मैंने देखा, मेरा नज़र शर्म से झुक गया। इसलिए झुक गया क्योंकि हम इनको बहुत अच्छा समझते थे, इनके लिए हमने कभी वीडियो भी बनाया था, इनको हम हमेशा प्रमोट करते थे, इनके गाने, खेसारी जी के गाने को इतना प्रमोट करते थे, हमें अच्छा लगता था कि वो हीरोइन, बंगाल की हीरोइन, मेहनत करके भोजपुरी इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँची। लेकिन आज उन्होंने जो कर दिया, और जिस तरीके से उन्होंने, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद शर्म आ रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन खेसारी लाल यादव जी से स्पेशल रिक्वेस्ट, पवन सिंह जी से स्पेशल रिक्वेस्ट, आप लोग मौका मत दीजिए ऐसे लोगों को। आप लोग अगर मौका देते हो भैया तो आप लोगों का इज्जत तार तार हो रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी के साथ जो काम करी थी ना वो हीरोइन, उसके साथ ऐसा हो गया, नाम यहाँ खेसारी जी का जुड़ रहा है। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह भैया के साथ जो काम करी है ना हीरोइन, उसका ऐसा हो गया। राकेश मिश्रा भैया के साथ जो काम करी है ना हीरोइन, उसका ऐसा हो गया। भैया प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि भोजपुरी के आप लोग आन बान शान हो, के लिए आपके फैंस एकदम सर कटाने को तैयार रहते हैं, तो प्लीज भैया ऐसे लोगों को बिल्कुल आप लोग मौका ना दे, ऐसे लोगों को बिल्कुल मौका ना दे जो भोजपुरी का मान मर्यादा भूल जाए, भोजपुरी का मान मर्यादा भूल कर भोजपुरी को शर्म से झुका दे। बस ज़्यादा नहीं बोलूंगा, और आप समझ गए होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो मुझे समझाना भी नहीं है, बस ये बोलूंगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल ना करें। कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।